1 लाख छोड़कर गए थे, राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़ कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी हैं। के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी हैं। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना अपने 53 साल में, हमारे समय में 63 बन चुके हैं। IIT की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1,014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए हैं, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूँ, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए। और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है, हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा यहाँ पर, और उन्होंने कहते कहते यही कहा, मैं 20 का साल का कार्ड दे रहा हूँ रिपोर्ट कार्ड, और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। ठीक है, 30 साल का एक बार मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दूंगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों से जानना चाहूंगा, भिलाई स्टील प्लांट जब मध्य प्रदेश और झारखंड मिलके था, सॉरी छत्तीसगढ़ मिलके था, तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया? ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया? फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। IIT इंदौर, IIM इंदौर किसने बनाया? एम्स भोपाल किसने बनाया? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया? चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया? ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा बड़ा रिपोर्ट है, लोगों की जिंदगी बनाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का, यह हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया ये सब दुनिया को मालूम है। और तुम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, भाई 2 करोड़ कौन बोले? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां, बोले तो 18 करोड़ नौकरियां दिए क्या आपको? कैसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री होके उन्होंने 100
40 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? मैं समझता हूं आप 2 करोड़ नौकरियां, 18 करोड़ नौकरियां लेकर आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आप झूठ होंगे या तो वो झूठ होंगे। कौन झूठ है? मोदी। 15-15 लाख हर एक के जेब में डालूंगा बोले, मिले क्या आपको? अरे ये तो प्रधानमंत्री झूठ कैसा बोलता भाई, ये तो प्रधानमंत्री बोले सो बात है। तो प्रधानमंत्री झूठ है, झूठ है। और किसानों का दाम, अरे गब्बट हो भाई तुम, क्या वो खुद ही दिखाते हैं अपने, इसीलिए तुम बोलने की जरूरत ही नहीं। दो, और उन्होंने वहां किसानों का दुगना दाम मैं करूंगा, आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। अरे जोर से बोलो या मत बोलो, दुगनी नहीं हुई। ये किसने बोला था? मोदी ने बोला था। ये सच है झूठ है? झूठ है। फिर ऐसे को मध्य प्रदेश में वोट मिलेगा? और ये इसके अलावा बहुत से चीजें ऐसे ही झूठ बोल बोल कर उन्होंने अब वोट लिए हैं, लेकिन अब इस बार वो झूठ नहीं बोल सकते, लोग झूठ सुन नहीं सकते। और मध्य प्रदेश के लोग, यानी ये तो हमारा ये हार्ट है, आत्मा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश बीच में है, उधर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे तो ये बीच में का है। तो इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ मत जाइए, उनके झांसे में मत आइए।